जुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, तअल्लुक में मसाइल का आना तअल्लुक की ताकत का इम्तिहान होता है, क्योंकि मसाइल आने के बाद या तो तअल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है या टूट जाता है। मैंने एक मुद्दत तक लोगों को परखा है, लोग कभी खुश नहीं होते, ना आपकी खामोशी से ना आपकी गुफ्तगू से। खुदा प्यार सबको देता है, दिल भी सबको देता है, दिल में बसने वाला भी सबको देता है, लेकिन दिल को समझने वाला सिर्फ नसीब वालों को देता है। ये जिंदगी की हकीकत है कि कोई नहीं मरता किसी के बगैर, लेकिन सिर्फ सांस लेने को ही तो जीना नहीं कहते। अल्लाह को ये सुनना बहुत पसंद है, गलती हो गई माफ कर दे, बेशक वो बड़ा गफूर रहीम और बख्शने वाला है। ऐ इज्जत देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। कोई माने या ना माने, लेकिन जिंदगी में दो ही अपने होते हैं, एक खुद दूसरा खुदा। कोई आपकी तरफ ना देखे तो मजबूर ना करें, ये दुनिया आपके मुखलिस जज्बात आपके मुंह पर मारने में माहिर है, इसलिए अपने आप के साथ खुश रहना सीखें, अपने जज्बे को अंदर रखना सीखें। कोई तवज्जो ना दे तो तवज्जो की भीख ना मांगे, कोई बात ना करे तो 10 कदम पीछे हट जाएं। बाहर की तमाम रंगीनियां अंदर की एक उदासी का मदावा नहीं कर सकती। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखें, टूट जाएगा मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा। लोग हमेशा हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर पूरी किताब खुद से लिख लेते हैं। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में से सबसे कीमती और नायाब तोहफा है, मगर इतना कीमती और नायाब तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। शैतान सबसे पहले इंसानी शर्मो हया पर जरब लगाता है ताकि बेहया होकर वो आसानी से गुनाह कर सके। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं, किसी की तकलीफ को इसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह के बनाए हुए तुम बेहतरीन इंसान हो। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, लिहाजा वक्त जाया करना बेवकूफी है। अकल से बेहतर हमारा कोई रफीक नहीं। एक अंधा दूसरे अंधे की क्यादत करेगा तो दोनों गार में गिरेंगे। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने पर अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं। इंसान हर चीज भूल सकता है सिवाय अपनी बेकदरी के, और वो भी किसी ऐसे शख्स से जिसे इसे बेपनाह मोहब्बत हो। किसी से अपना मुवाजना मत करें, कम पहन लें सस्ता पहन लें, सादा खाएं लेकिन हलाल खाएं, कम में नहीं हराम में शर्म करें। हमने अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों को नहीं। कुछ अजीब है ये दुनिया जहाँ झूठ से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। सबसे बेहतर विरासत जो आइंदा नस्लों के लिए छोड़ी जा सकती है वो अच्छा चलन और बुलंद किरदार है। लाखों कमाने वाले से ज्यादा वो बंदा खुश रहता है जो ना मिली हुई चीजों की बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा से अकेला रह जाता है। खुदा जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। 3 बातों पर खामोशी इख्तियार कर लो, वो शख्स आपकी कदर करेगा और बात भी। सबसे पहले इस शख्स से शिकायतें करना छोड़ दो।
इसी से हर छोटी छोटी बात पर माफी मांगना छोड़ दें, किसी को अपनी वफादारी का इतना यकीन ना दिलाओ कि वो बगैर डरे आपको कुछ भी कहे और कुछ भी करे। सियाने कहते हैं, अमीर आजाइशें ना छोड़ें, सिर्फ नुमाइश छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती है।